हाय गाइस, तो हम दुबई से निकलकर आ चुके हैं आर्मेनिया में, जो कि दुबई से सिर्फ 3-3.5 घंटे की दूरी पर है। और आप इंडिया से भी आर्मेनिया का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको बताएंगे हाउ यू कैन प्लान योर ट्रिप टू आर्मेनिया। इसके लिए क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं इंडियन पासपोर्ट्स के लिए या बाकी नेशनैलिटीज़ के लिए, कहाँ से आप फ्लाइट ले सकते हैं, कितने की पड़ेगी, और इंडिया से आप दुबई और थाईलैंड के अलावा ऐसी ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं जो कि आप बजट में प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक क्विक फ्लैशबैक एंड शुरू से शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इस ट्रिप के बारे में सब कुछ डिटेल में। सो गाइस, रात के 1 बज रहे हैं एंड कैन यू गेस व्हाई आर वी रेडी एंड वेयर आर वी गोइंग। And it's time to leave the house. Say goodbye to the house. और मिजैन को हमने रेडी करके सुलाया था ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो और वो क्रैंकी ना हो और उसको सोते सोते ही ले जा सके। एंड नो मैटर आप कितना भी ट्रैवल कर चुके हो, बट हर बारी ट्रिप से पहले एक वो ट्रैवल एंजाइटी ज़रूर होती है। और हमारी फ़्लाइट जो है वो आबू धाबी से है, तो हम ड्राइव करके आबू धाबी जा रहे हैं और हमारे घर से आबू धाबी एयरपोर्ट जो 1.5 आवर्स की ड्राइव पर है। और हमने अपनी गाड़ी अपनी फ्रेंड के घर के बाहर पार्क कर दी और वहाँ से हमने एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ले लिया है। और जो लोग हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते होंगे इस ट्रिप के बारे में कि ये ट्रिप हमने मेरे बर्थडे के लिए प्लान किया है। और वैसे तो आर्मेनिया के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन भी है, बट पिछले काफ़ी टाइम से हमारे साथ ट्रैवल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी ना किसी रीज़न की वजह से हमें बोर्डिंग डिनाई कर दी जाती है। तो इस बार ही हम ई वीज़ा, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस सब कुछ रेडी लेके चले थे कि कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से हमें वो लोग बोर्डिंग करने के लिए मना कर दें। तो जब तक बोर्डिंग पास हाथ में नहीं आ जाता तब तक मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाती, इंजॉय नहीं कर पाती, एक्साइटमेंट नहीं होती, सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन होता है। बोर्डिंग पास मिलने के बाद ही मेरी जान में जान आती है। और क्योंकि वीकडे है तो ज़्यादा रश नहीं है एयरपोर्ट पे और हमारे पास प्रायोरिटी थी, इसलिए हमें बोर्डिंग पास मिल गया एंड नाउ वी आर गोइंग टू द लाउंज। सो आर्मेनिया के लिए आप ई वीज़ा ले सकते हैं जो कि आपको विद इन 3 वर्किंग डेज मिल जाएगा। और आर्मेनिया की लोकेशन बहुत ही औसम है, एशिया और यूरोप के बीच में सेंट्रली लोकेटेड है, दुबई से बहुत पास है, 3 आवर्स 10 मिनट्स की फ़्लाइट है। और आबू धाबी से विज एयर चलती है डायरेक्ट येरेवान के लिए जो कि आर्मेनिया की कैपिटल है, और बहुत ही अफोर्डेबल फ़्लाइट्स होती हैं। तो आप चाहें तो इंडिया से डायरेक्ट येरेवान के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं या जो भी आपकी होम कंट्री है, या फिर आप वाया आबू धाबी भी येरेवान के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप लोग आर्मेनिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड। जैसे कि मैंने बताया कि आर्मेनिया यूरोप और एशिया के बिल्कुल बीच में सेंट्रली लोकेटेड है और इसके बॉर्डर्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में टच करते हैं ईरान, टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान जैसी कंट्रीज़ को। और क्योंकि ये पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रशियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो रशियन बोलते हैं और जिनको रशियन आती है। उसके अलावा आर्मेनिया का वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, बिकॉज आर्मेनिया ने ही दुनिया में सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को एज ऑफिशियल रिलीजन अडॉप्ट करा था, उसके बाद ही क्रिश्चियनिटी बाकी सारी जगहों पर एज ऑफिशियल रिलीजन पहुँची। और क्योंकि आर्मेनिया हिस्ट्री, कल्चर, नेचर वाइज बहुत ज़्यादा रिच है, इसलिए आपको यहाँ पर हज़ारों साल पुरानी मोनेस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग म्यूजियम्स देखने को मिलेंगे, और नेचर में आपको माउंटेन्स, रिवर्स, लेक, वैलीज सब कुछ देखने को मिलेगा। और आर्मेनिया का लोकल फूड, ओ माय गॉड, आई मीन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर अगर आप मुस्लिम हैं तो आप यहाँ का नॉनवेज खाना बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बिकॉज इनके खानों में ज़्यादातर चीज़ों में जो स्टफिंग होती है वो कीमे की होती है। और वेजिटेरियन लोगों के पास पिज़्ज़ा और पास्ता के अलावा खाने के लिए यहाँ पर एग प्लांट की काफ़ी सारी डिशेज़ हैं जो हमें बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी लगी। और आर्मेनिया में आपको कहाँ पर खाना चाहिए और क्या क्या ज़रूर खाना चाहिए उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और अगर आप लोग ड्रिंक करते हैं तो आपको वहाँ पर पोमेग्रेनेट, पीच, एप्रिकॉट से बनी कुछ लोकल ड्रिंक्स इंजॉय करने को मिलेंगे जो कि वो लोग एप्रिकॉट के अंदर सर्व करते हैं, विच वॉज सो कूल टू सी। सो येरेवान के लिए आबू धाबी से काफ़ी सारी फ़्लाइट चलती हैं, जो हमने बुक करी थी वो सुबह 5:30 AM की फ़्लाइट थी, जिससे कि हमें सिटी का पूरा नाइट व्यू तो देखने को मिला ही, उसके अलावा हमने फ़्लाइट से सनराइज़ होते हुए भी लाइव देखा एंड इट वाज सो अनरियल एंड ब्रेथ टेकिंग। एंड मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है कि
अभी तक इस जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और सब कुछ इतना स्मूथ जा रहा है। और क्योंकि इस टाइम पर कोई फेस्टिवल नहीं है, पब्लिक हॉलीडे नहीं है, वीकेंड नहीं है, वीकडे पे फ्लाइट थी, तो इसलिए फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा खाली थी, तो सारे पैसेंजर्स ऐसे सोते हुए जा रहे थे, विच वॉज सो रिलैक्सिंग बिकॉज एवरीवन गॉट टू कैच अप ऑन देयर स्लीप। सो हेयर इज़ अ प्रो टिप, इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप देन अवॉइड पब्लिक हॉलीडेज, अवॉइड वीकेंड, कीप इट ऑन द वीकडेज, जिससे कि आपको एयरपोर्ट की लंबी लंबी क्यूज में वेट ना करनी पड़े और फ्लाइट भी खाली मिले। एंड बिकॉज इट इज़ अक्टूबर तो टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा वेदर है, बिकॉज हम लोग एक गर्म देश से जा रहे हैं, सो वी वॉन्ट टू इन्जॉय विंटर्स, तो टेम्परेचर 6 डिग्रीज से 16 डिग्रीज के बीच है। और हमारी फ्लाइट लैंड हुई है सुबह 9 बजे, तो हमारे हाथ में पूरा दिन है घूमने के लिए। तो नेक्स्ट टिप है कि सिम आप एयरपोर्ट से ही लें, बिकॉज डेटा बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू यूएई, बिकॉज यूएई में डेटा बहुत एक्सपेंसिव है, बाकी सभी कंट्रीज़ में बहुत ही सस्ता होता है। सो यहाँ पे हमें 2000 आर्मेनियन दरम में 5 GB एंड 3000 आर्मेनियन दरम में 10 GB डेटा के 2 सिम मिले। तो नेक्स्ट टिप है कि एयरपोर्ट टैक्सी हमेशा अवॉइड करें, बिकॉज वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो जो ओला उबर टाइप की जो कैब सर्विस कंपनीज होती हैं उन्हीं की ऐप से जाके अपने लिए कैब्स बुक करें। और आर्मेनिया में 2 कंपनी सबसे ज़्यादा चलती हैं, एक जीजी ऐप है और एक येंडेक्स, तो इन दोनों को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और सिटी में कहीं पर भी घूमने के लिए आप यहाँ से अपने लिए कैब बुक कर सकते हैं। और एयरपोर्ट सिटी सेंटर से सिर्फ 14 किलोमीटर्स है, बट ट्रैफिक की वजह से आपको 20 to 30 मिनट्स लग सकते हैं। और हम 10:30 तक अपने होटल भी पहुँच गए, एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल होटल जो कि बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है, सामने ही आप देख सकते हैं मेन रोड है, और पहुंचते ही हमें इतना अच्छा हॉट एयर बलून का व्यू देखने को मिला। और ये वाला ट्रिप हमारा अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रिप रहा है, बिकॉज फ़्लाइट भी पूरी खाली थी, हम सोते हुए आए, और नॉर्मली हर जगह पर होटल का चेक इन टाइम स्टैंडर्ड जो है वो 3 PM होता है वर्ल्ड वाइड, बट इन्होंने हमें सुबह 10-11 बजे ही रूम रेडी करके दे दिया चेक इन करने के लिए। कैन यू इमेजिन। तो अगर बात की जाए कि व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट आर्मेनिया, तो उसका जवाब काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकता है, बिकॉज अगर आप सिर्फ सिटी घूमने में इंटरेस्टेड है तो फिर तो आप 12 महीने कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज सिटीज़ जो होती हैं वो हमेशा ही लाइवली और हैपनिंग रहती हैं। बट अगर आप हमारी तरह सिटी के बाहर के रीजन्स भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप अपने ट्रिप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जैसे कि हमने ये ट्रिप अक्टूबर में प्लान करा था, जो कि मेरा बर्थडे मंथ है, और जैसे कि सब जानते हैं अक्टूबर में ऑटम सीजन होता है, जिस टाइम पर सारे ट्रीज के कलर्स चेंज होते हैं और पत्ते ग्रीन से चेंज होके येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक कलर के हो जाते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरा बर्थडे अक्टूबर में होता है, बिकॉज अक्टूबर इज द बेस्ट मंथ टू ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अक्टूबर में ना ही इतनी ठंड होती है, ना ही इतनी गर्मी, और फॉल के जो कलर्स हैं वो किसी भी जगह की खूबसूरती को डबल कर देते हैं। तो आई फील सेप्टेम्बर, अक्टूबर एंड नवंबर जो है वो वेदर वाइज बहुत ही प्लेजेंट होता है, तो आप इन तीनों मंथ्स में ट्रैवल अपना प्लान कर सकते हैं। बट अगर आप स्नो देखना चाहते हैं और स्नो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो फिर आप दिसंबर से मार्च तक अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। एंड मार्च के बाद देन अगेन स्प्रिंग सीजन होता है अप्रैल एंड मई, तब भी ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंड, तो आप तब भी अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो चलिए आपको सिटी घुमाने से पहले अपने रूम का एक छोटा सा क्विक रूम टूर दे देते हैं। तो ये है बहुत ही लंबा सा और बड़ा सा पैसेज, और ये है हमारा किंग साइज बेड, और रूम बहुत ही बड़ा था, बहुत स्पेशियस था एज यू कैन सी, और वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, वरना जनरली होटल्स के वॉशरूम काफ़ी छोटे होते हैं, स्पेशली इन सब कंट्रीज़ में, और रूम के साइज़ भी बहुत छोटे होते हैं। और हमारे पास 2 ऑप्शन थे, सिटी व्यू या गार्डन व्यू, तो हमने सिटी व्यू चूज़ करा था, जिससे कि हम सिटी की हसल बसल भी देख सकें। और जो लिस्ट ऑफ अट्रैक्शन है उनमें से एक जगह तो बिल्कुल हमारे होटल के सामने ही नज़र आती है, जो हम अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद जाएंगे और आपको दिखाएंगे अपने साथ ले जाके। और आज का दिन हमारा इतना अच्छा जा रहा है, आई डोंट नो इफ वी आर सो लकी दिस टाइम, बिकॉज नॉर्मली डे 1 पर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होता, बिकॉज आप 3 बजे चेक इन करते हैं, बट उन्होंने हमें अर्ली चेक इन भी दे दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने हमें डे 1 में ही बोला कि आप लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, तो हमें डे 1 पे भी होटल का ब्रेकफास्ट मिल गया। कैन यू बिलीव दिस। तो हमें तो बहुत तेज भूख लगी हुई है, बिकॉज एज यू नो कि हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी और अब 11 बजने वाला है, हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है,
तो जल्दी से करते हैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश और फिर लेके चलते हैं आप लोगों को बाहर और दिखाते हैं सिटी। सो दिस इज़ बार कम कैफ़े। यहाँ से आप अल्कोहल या फिर टी कॉफ़ी अपनी बेवरेजेस ले सकते हैं, विच वॉज़ रियली ब्यूटिफुल। और इस होटल में जितने भी कॉमन एरियाज हैं वो बहुत ही ब्यूटिफुली डिज़ाइंड है। लाइक दिस ब्रेकफास्ट एरिया, आप चाहें तो अंदर बैठ के या फिर बाहर बैठ के भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, इन्जॉइंग द सिटी वाइब एंड द गार्डन व्यू। और गाइज, आप में से जिन लोगों को नहीं पता उनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि हमारी दुबई बेस्ड एक ट्रैवल कंपनी है। सो अगर आप दुबई का या फिर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान जैसी किसी भी कंट्री का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं एंड वी कैन प्रोवाइड यू द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड बेस्ट पैकेजेस। तो अगर आप बच्चों के साथ किसी कंट्री में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं देन आई वुड से आर्मेनिया इज़ द बेस्ट कंट्री, बिकॉज हम लोग 30 से ज़्यादा कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं और आर्मेनिया की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है और जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं वहाँ तक आप गाड़ी से जा सकते हैं। वरना मोस्टली जगहों पर यह होता है कि मॉनेस्ट्रीज देखने के लिए या कोई लेक देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाइकिंग करनी पड़ती है या वॉक करनी पड़ती है, वहाँ तक का कोई पक्का रास्ता नहीं होता है, विच वॉज़ नॉट द केस इन आर्मेनिया। और अगर करेंसी की बात करें तो आर्मेनिया में आर्मेनियन दिरहम्स चलते हैं जिसको AMD बोलते हैं। तो 100 AMD जो है आर्मेनियन दिरहम वो एक दिरहम के बराबर होता है और एक इंडियन रुपीज़ में आपको 4.83 आर्मेनियन दिरहम मिलेंगे। और आपको कितने दिन का आर्मेनिया का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कितने दिन इनफ है आर्मेनिया को पूरा अच्छे से घूमने के लिए, देन आई वुड से यू शुड हैव एटलीस्ट 5 to 6 days, जिससे कि आप 3 से 4 दिन जो हैं वो अलग अलग रीजन्स के डे ट्रिप्स ले सकें और कम से कम 2 दिन यरवान जो कि आर्मेनिया की कैपिटल है उस सिटी में स्पेंड कर सकें। और एट गाइज, तो ये था आज का वीडियो। वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, एक नई कंट्री के बारे में जानने को मिला होगा। तो अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करें और अपना नेक्स्ट ट्रिप आर्मेनिया के लिए ज़रूर प्लान करें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।